भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं उत्तराखंड प्रवासी संघ के अध्यक्ष राकेश सिंह रावत, कांग्रेस के बलबीर सिंह और बहुजन समाज पार्टी की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रमोद सचदेवा को भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने तीनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की नीति से प्रभावित होकर लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति बढ़ा है। ये जो अभी हमारे तीन साथियों ने श्री श्याम सिंह जी रावत, जो उत्तराखंड प्रवासी संघ के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और बलवीर सिंह जी जो कांग्रेस बाबरपुर जिला के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे किस विधानसभा से लड़े थे, वजीरपुर विधानसभा से, जो बहुजन समाज पार्टी के 2013 में विधायक का चुनाव लड़े, ऐसे हमारे सचदेवा जी, तीनों लोगों का आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना हमारे लिए जितनी खुशी की बात है, वैसे ही आज अरविंद केजरीवाल के एक बयान का बड़ा करारा जवाब भी है। आज लगभग हर अखबार में मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको कोई ये वीडियो दिखाए तो इसको ध्यान से देखिए, ये अलग अलग समाज से, अलग अलग पार्टियों से लोग नरेंद्र मोदी में विश्वास जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। वहीं मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल द्वारा दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।